आप ताजी चीजें एंजॉय करोगे। अच्छा मैं आपको बता रहा था ना, जैसे ये देखो ये टोपी आ गई, मैं आपको बता रहा था ना भाई साहब, देख रहे हो रोगन, देख रहे हो क्या बढ़िया एकदम मज़ेदार सुपर गुड। ये देखो भाई चीज़ ऐसी खाओ जो देखने में भी मज़ा आए और खाने में भी मज़ा आए। इनकी यखनी, ये भी मटन यखनी है, आपको पता होगा कश्मीरी डिश है, नहीं कश्मीरी डिश होती है ना भाई, इसे कहते हैं तवा चिकन, बढ़िया एंड बेस्ट। मुझे देखने में अच्छा ये लग रहा है, ये बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को देखने में। तो भैया जी अभी हमने खाया चिकन, इतना बढ़िया चिकन, इतना बढ़िया मटन करी, और भाई सच में कह रहा हूँ मज़ा आ गया सच में। नत्था ढाबा जो कि लोकेशन है कहाँ पे? जेल रोड अम्फला, जेल रोड अम्फला जम्मू। तभी आप यहाँ पर आए ना इसको ट्राई करना। और आज मैंने ये बात सीख ली है, सॉरी मतलब जान गया हूँ मैं कि यहाँ पे जितने भी ढाबे वाले ना, आई थिंक ये लोग चिकन को टोपी बनाते हैं पर इंसान को नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यों, आप चलो और देखो पूरा वीडियो, रेट सुनो कि रेट क्या है। 190 रुपये के अंदर वो चिकन का पोर्शन इतना बड़ा, वाकई में ना चिकन को ही टोपी बनाई गई है इस बार, कस्टमर को नहीं। तो ये देखो भाई टोपी चिकन, जी हाँ टोपी तवा चिकन बनने जा रहा है। और कहाँ पे आए हैं? नत्था ढाबा। और भाई इतना मज़ेदार बनेगा ना, आप पूरी मेकिंग देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, एंड तक देखो मेकिंग। ये हम हाफ पोर्शन लगवा रहे हैं अपना, एकदम ताज़ा और एक फ्रेश बनेगा। ये देखो जी, और इसकी मेकिंग जो है ना, वो इसकी मेकिंग बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में, आप देखो कैसे बनेगा। ये अभी तंदूरी चिकन डाला है जो कि हाफ डन है सिर्फ, बाकी हाफ डन जो है वो तवे के ऊपर ही होगा, अभी आप देखते जाओ। और ये टोपी चिकन क्यों कहता हूँ वो देख, दूसरे तवे पे देख रहा टोपियाँ, ये टोपी डलती है इसके ऊपर, और ये भाप के अंदर अपनी स्टीम के अंदर इसको पकाते हैं ये, अभी देखता रहा। कच्चा टमाटर, कच्चा प्याज, हर एक चीज़ डलेगी और एंड रिजल्ट जो होगा ना वो अनबिलीवेबल होगा, आप भी बोलोगे भाई मज़ा आ गया देख के। तो जम्मू में है आपके शहर में, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है ये देखो भाई प्याज देख रहा है, एकदम लच्छेदार प्याज डाल दिया कच्चा पूरा। ये देखो भाई टमाटर एकदम फ्रेश आपके सामने कट रहा है, और ये ऐसे ही पकाते हैं ये लोग, पहले ग्रेवी पूरी बना के प्यूरी बना के साइड में नहीं रखते, आपके सामने हर एक चीज़ होगी। ये हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन कितने का था? 190 रुपये का, ये 190 रुपये का बहुत सस्ता। ये मसाले डल रहे हैं 190 रुपये में ना, दिल्ली में एक क्वार्टर आता होगा सर, क्वार्टर बटर चिकन बोल रहा हूँ मैं। हरी मिर्ची मत डालो भैया, हाँ वो तो मिर्च भी चली गई, तैयारी समझ गई, तैयारी समझ गई। तो सिद्धार्थ भाई आप बताओ कि क्या बेस्ट क्या है इसका, आप लेके आए हो यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या बढ़िया लगता है? बढ़िया ही, मटन का चिकन बहुत बढ़िया है, मतलब ताज़ा बनता है जैसा आपने बोला ना, हाँ एकदम बढ़िया वाला फ्रेश, और स्क्रैच से लेकर फाइनल प्रोडक्ट था, हाँ आप ताज़ी चीज़ एंजॉय करोगे। अच्छा मैं आपको बता रहा था ना, जैसे ये देखो ये टोपी आ गई, मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो मेथड है ना, सिमिलर टू पाकिस्तानी कढ़ाई चिकन, सिमिलर, क्योंकि उसके अंदर भी ना ऐसे ही फ्रेश चीज़ें डाली जाती है। अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो कमेंट करके बताओ कि पाकिस्तान में जो कढ़ाई चिकन मिलता है वो भी ऐसे ही है ना, भाई साहब अब ये पक रहा है धीरे धीरे, और आप देख रहे हो ना कि टमाटर और प्याज बढ़िया तरीके से गल रहे हैं। करो भैया करो, आप करो, ये देखो भाई चीज़ ऐसी खाओ जो देखने में भी मज़ा आए और खाने में भी मज़ा आए। अगर आप जम्मू के रहने वाले हो तो आपको शायद पता होगा नत्था ढाबा, भाई कहाँ पर आए, कौन से लोकेशन पड़ते हैं? भैया ये जेल रोड अम्फला, जेल रोड अम्फला, हाँ जी अम्फला है जी, जेल रोड। अच्छा तो बहुत एंटर करते ही है जी, और इनके अभी इसके बाद आपको सीख भी खिलाएंगे, मटन सीख बहुत बढ़िया है भाई। मैं तो एक्चुअली मैंने इसका मतलब देख, जब मैंने देखा ना ये बनते हुए टोपी चिकन, इनका टोपी तवा चिकन, ये वाकई में एक अलग ही चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ पता क्या, देखो बहुत सारी जगह पे हमने भी दिखाया आपको कि रघुवीर नगर याद है, वो भी ऐसे ऐसे ढक्के पकाता है टोपी बना के, लेकिन गुरु चिकन बट उसमें क्या है कि इसके अंदर और उसके अंदर डिफरेंस ये है कि ये हर एक चीज़ फ्रेश काट रहा है। प्याज भी आपने देखा है पूरा कच्चा था,
टमाटर भी पूरा कच्चा था। प्राइस में बहुत फर्क है। प्राइस तो यार मतलब वो तो यार फिर वो स्टेट का फर्क पड़ जाता है, वो दिल्ली है और ये जम्मू है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सस्ता है माल, बट वाकई में माल सस्ता है पर देख के चीज़ मन कर रहा खाने का। तो ये देखो भाई, ये है इसका आउटलुक। ओ हो हो भाई, इसे कहते हैं तवा चिकन, बढ़िया एंड बेस्ट। जम्मू की स्पेशलिटी है ये तवा चिकन एक्चुअली में, और यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप पे मिलेगा और यही मेथड होता बनाने का। बट वाकई में देखने में इतना बढ़िया लग रहा तो खाने में तो और भी बढ़िया होगा। टेस्टिंग में दिखाऊंगा आपको मैं कि टेस्टिंग में कैसा है इसका टेस्ट, आप बने रहो वीडियो के एंड तक। वाह क्या ग्रेवी बन रही है, देख रहा है टमाटर प्याज सब गायब हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा। अभी दोबारा टोपी बनाओगे? हो गया, डन हो गया ऑलमोस्ट। अब इनकी सीख लगवाते हैं, वीडियो में नहीं दिखा रहा, टेस्टिंग में चलते हैं, टेस्टिंग दिखाते हैं आपको। तो ये देखो भाई, टेस्टिंग से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है जी इनकी मटन करी। ये कितने रुपये प्लेट आती है? 340। इसको 6 पीस, कितने भी 6 पीस आते हैं भाई साहब। देख रहे हो रोगन, देख रहे हो क्या बढ़िया, एकदम मज़ेदार, सुपर गुड। और ये है जी इनका, ये ख़त्म हो गया, ये चिकन करी है भाई, और ये बहुत डिमांड में रहती है और ये ख़त्म हो चुकी है, हम लेट आए हैं एक्चुअली में। और ये है जी इनकी यखनी, ये भी मटन यखनी है, आपको पता होगा कश्मीरी डिश है, नहीं कश्मीरी डिश होती है ना यखनी, ये भी यहाँ पे बहुत खाई जाती है। तो मैं काम करता हूँ, इनका तवा चिकन तो बनवाई ली है, टोपी चिकन जो है, साथ में इनका लेते हैं, एक टेस्ट करते हैं इनका मटन करी साथ में चिकन आ रहा है, एक सीख कबाब लिया है, टेस्टिंग करते बताता हूँ वो टेस्ट कैसा। चलिए जनाब, फूड पूरा का पूरा आ चुका है। तो भाई सिद्धार्थ भाई, पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपको जगह कैसे पता चली? ये मुझे खुद किसी ने रिकमेंड की थी, मेरे एक दोस्त ने, यहाँ रेगुलर खाते हैं, क्या वो तारीफ की थी उन्होंने, तो मैंने कहा कि एक बार क्यों ना आके खाया जाए। और आपको इतना सॉफ्ट नान है, और ये इनका सीख कबाब है, मैं एक सीख कबाब का पीस लूँगा, टेस्टिंग करो तो ऐसी भाई की मज़ा आ जाए। ये राजी नत्थे का ढाबा का मटन, तो थोड़ी इटालियन हर्ब्स का टेस्ट नहीं लगा कबाब में? बढ़िया वाला, मतलब काफी हर्ब्स का फ्लेवर है, बोला अच्छा सा एक, बहुत बढ़िया। भाई मुझे पता क्या है, मैंने बनवाया तो ये चिकन, मुझे देखने में अच्छा ये लग रहा है, ये बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को देखने में। और इनकी चिकन करी जो कि काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, वो मिस कर दी हमने। ओहो बेस्ट पार्ट क्या पता, कहीं जगह पे क्या होता है कि ना मसालों से टेस्ट आता, इसमें मटन स्टॉक का इतना बढ़िया फ्लेवर है ना कि आई थिंक कि ज़्यादा मसाले की ज़रूरत ही नहीं है, इतना बढ़िया। और जैसे कहते हैं ना मटन करी जो हम ढूंढते हैं, एक्चुअली में ये वो मटन करी है जो हम लोग एक्चुअली में दिल्ली में ढूंढते हैं, बहुत बढ़िया। अब चिकन ट्राई करते हैं। ये देख भाई, ये है चिकन, और देख लो आपके सामने गल गया है और तवे पे पकाया आपके सामने। तो भाई कभी यहाँ पे आए ना आप तो ये ज़रूर ट्राई करना, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत फेमस है। ढाबा ये कितना पुराना होगा फिर भी? लगभग 50 साल से ज़्यादा पुराना है। 50 साल से ज़्यादा पुराना है भाई। अगर मैं रेट बताऊँ तो ये जो रेट है इसका, इतना बड़ा पोर्शन जो तुमने लिया है 190 रुपये का है, 190 रुपीज़। अभी यहाँ पर आए इसको ट्राई करना और हमें बताना कैसा लगा। नत्था ढाबा, लोकेशन जेल रोड अम्फला। थैंक यू सो मच।